तो आपने ये ऑडियो सुनी, ये ऑडियो भारतीय छात्रा की है जिसने भारतीय दूतावास में संपर्क कर कुछ मदद की गुहार लगाई है। और हमारे साथ भारतीय दूतावास से बात करने वाली वो छात्रा भी जुड़ चुकी हैं जिनका नाम शालिनी शर्मा है। शालिनी, क्या परिस्थिति है वहां की? सबसे पहले तो हम इस वायरल ऑडियो के बारे में जानना चाहेंगे, क्या इसमें बात करने वाली इंसान आप ही है, आप ही ने भारतीय दूतावास से बात करी और क्या कुछ बातचीत हुई है, पूरी जानकारी चाहेंगे। हाँ जी मैम, ये कॉल हमने किया था, मैं और मेरी एक दोस्त हैं प्राची, हम दोनों ने मिलकर ये बात की है। पहले तो यहाँ पे हम सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम यहाँ पे लगभग 500 लोग, अपनी सिटी की बात बता रही हूँ, हमारे आसपास लगभग 500 बच्चे फंसे हुए हैं। जी अभी तक क्या हुआ, आज तीसरा नया अटैक जब से हुआ है कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। अभी तक हम इस उम्मीद में थे कि गवर्नमेंट कुछ करेगी, एक होप था, लेकिन हमने जब कल बात की है एम्बेसी में, वो होप भी अभी खत्म होते हुए नजर आ रहा है। उस बात को आपने पूरी सुनी, उसने सीधे सीधे बोल रहा है कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हम अब तक सोच रहे थे कि आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ होगा, बट अभी तक एक स्टेप नहीं लिया गया है कि बच्चों को उठाया जाए, निकाला जाए इस प्रॉब्लम से, या कुछ भी गवर्नमेंट बोल रही है, सिर्फ कर कुछ नहीं रही है। मैम इस शालिनी टाइम इतनी जी, परेशानी हो रही है, शालिनी हर आपने टाइम हम किस लोग को उम्मीद एक से डर फोन बना किया रहेगा था भारतीय कब दूतावास अटैक में? हो जाएगा। प्राची, आप शालिनी आपने किस जी उम्मीद मैम, से फोन किया था भारतीय दूतावास में और आपको जो वहां से जवाब मिला है, क्या आप उससे संतुष्ट है? क्योंकि वहां पे एक युद्ध की परिस्थिति है, भारत में भी सरकार कदम उठा रही है, लेकिन आपने जिस उद्देश्य से फोन किया था तो क्या आपको लगता है कि कुछ मदद मिल रही है? मैम बिल्कुल नहीं। पहली बात तो आप उनकी टोन सुनिए, इतनी रूडली बात किया है, हम यहाँ पे वॉर में फंसे हुए हैं, ये कोई तरीका नहीं है कि आप किसी को ऐसे आप किसी से बात कर रहे हो। कोई उन्होंने हमें सांत्वना नहीं दी है। आप प्राची से भी बात कर लिए, प्राची भी बात की है, उनसे भी पूछ सकती हैं आप उनको कैसा फील हुआ है। जी, हम जानना मैम ये चाहेंगे कि बात क्या ऐसी हम कुछ देख कहा है सकते हैं, भारतीय बहुत दूतावास ने, क्लियरली जिस भी हमें अधिकारी ऑडियो से में बात बिल्कुल हुई है साफ उसमें पता लगा है मुख्यतः। कि इंडियन एम्बेसी कुछ भी नहीं कर रही है। इवन वो इतना फ्रस्ट्रेटेड और इतना रूडली साउंड कर रही है कि हम बच्चों को ये लग रहा है कि शायद हमने कॉल करके हेल्प मांग के गलती की है। फ्रस्ट्रेट जिस नंबर पे मैम हमने ये कॉल किया, ये इंडिया न्यूज चैनल्स पे नंबर स्क्रीन पे प्ले किया गया था, जी और तभी हमने, हमारे पेरेंट्स ने हमें नंबर भेजा है कि तुम वहां पे बैठ के कॉल कर सकते हो, आप ये कॉल मिलाओ, तभी हमने उन पे कॉल मिलाया है। यहाँ पे सभी बच्चे, अभी सोशल मीडिया की पावर इतनी ज्यादा है कि जितने भी दो बसेस के अंदर बच्चे गई हैं, सभी अपनी अपनी पोस्ट डाल रहे थे उससे पहले, हमारे कॉल करने से पहले, कि इंडियन एम्बेसी की वजह से हम लोग यहाँ से निकल पाए हैं। यही जी सब एक कॉल के तुरंत बाद ही क्यों सबको डिलीट हुआ है? वो तो लकीली हमारे यहाँ के कुछ बच्चों ने उनका स्क्रीनशॉट रखा हुआ था। अभी भी अब हमारे पास प्रूफ है कि उन बच्चों ने अपने पोस्ट पे ये डाला है, थैंक यू टू द इंडियन एम्बेसी, थैंक यू टू द नरेंद्र मोदी जी। तो मैम अगर कोई वो काम कर रहे हैं, एटलीस्ट उसे एक्सेप्ट तो करें ना, इसमें जी झूठ बोलने वाली बात क्या है? एटलीस्ट उससे हमें रिलैक्सेशन मिलेगी कि हाँ कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ स्टेप उठा रहे हैं। बट उन्होंने तो इसको बिल्कुल ही मना कर दिया कि उन्होंने करा ही नहीं है, मतलब हम हर चीज खुद ही करें। ये सबसे पहला स्टेप तो हम इंडियन गवर्नमेंट से ऑफिशियल स्टेटमेंट चाहते हैं कि हाँ वो कुछ कर रही है और प्रूफ के साथ, जी कई वहां पे क्योंकि इस छात्र टाइम फंसे हुए कोई उनको भी होप निकालने नहीं की बचा है कोशिश भी हमारे करी पास जा अभी रही तक। है, हम यहाँ से एटलीस्ट विमान भी भेजे होप गए हैं नहीं है। शालिनी, और जी हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, लेकिन ये जो जवाब सामने से आ रहा है ये काफी निराशाजनक है। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि वहां किस वक्त परिस्थिति क्या है, आप लोग फंसे हुए हैं वहां पे, आपके परिवार भी परेशान है, वहां की स्थिति आपसे बेहतर तरीके से कोई नहीं बता सकता है, हम वो जानना चाहेंगे। यस मैम, यहाँ की स्थिति बहुत खराब हो रखी है, 3 दिन हो गए, तीसरा दिन है आज। अभी तक कल रात भर हम सोए नहीं हैं, हमने जो खाना इकट्ठा किया धीरे धीरे खत्म होने का भी टाइम आ गया है। बाहर इतनी ज्यादा डर है, कोई बाहर नहीं निकलना चाह रहा है, जो सुपर मार्केट है वहां इतनी भीड़ हो जा रही है एक टाइम पे कि वहां पे सामान मिल भी नहीं रहा है, जी, जो ये बहुत ऑडियो दिक्कत हो आपके रही है। और पास हर है, टाइम जी सबसे बड़ा डर बना रह रहा है कब अटैक हो जाएगा। हम रात भर सो नहीं पा रहे मैम, पूरी रात हम जगे हैं, क्योंकि बोल रहे 3-4 बार आ गया कि अब अटैक होगा, अब सायरन बजेगा, अब कुछ हो सकता है, पूरी रात हम जगे हैं जी वहां मैम। के अगर हम लोकल एक चीज प्रशासन देखा द्वारा जाए, आपको अगर क्या हमें ये कुछ बहुत बात कही बात जा रही बोली क्या? जा रही है बार बार कि इंडियन सिटीजन को कुछ नहीं कहा जाएगा, इंडियन सिटीजन को कुछ नहीं कहा जाएगा, जी लेकिन मैम हम एक बिल्डिंग में है, बिल्डिंग का ऊपर से किसी को नहीं पता होता कि वो यूक्रेनियन की है, वो रशियन की है, या वो इंडियन की है। चांसेस अभी भी हमारे ऊपर उतने ही हैं। कल रात हम सब मेडिसिन खा खा के सोए हैं, क्योंकि हमारा इतना ज्यादा सिर पट रहा है, खाना कुछ नहीं खाया जा रहा है, और जितना भी हमारे पास सामान है वो खराब होता जा रहा है।
ये डर बना रहा है कि पानी आज खत्म हो सकता है, गैस आज खत्म हो सकती है। और एक मैम जो आपने अभी एयर जेट्स की बात की है और जो एयर इंडिया की बात की है, मैम जो बच्चे, कई बच्चे जो रोमानिया बॉर्डर पे हैं वो ये न्यूज़ दे रहे हैं, जो बच्चे कह रहे हैं कि वहां पे एम्बेसी का एक भी सिटीजन या कोई भी पर्सन वहां पे अवेलेबल नहीं है। बॉर्डर और पे जाने इवन के बाद भी मैम ये वहां बात तक सुनने में आ रही है कि उन्हें वहां पे जाके पहले पे करना पड़ेगा टिकट के लिए, तभी वो वहां से चढ़ सकते हैं। अगर आप इस सिचुएशन में भी बच्चे को, अगर मैम खाने के लाले पड़ चुके हैं, तो बच्चा अब वहां से पे कैसे करेगा? आप हमें ये बताइए, क्या इंडियन गवर्नमेंट इतना भी नहीं कर सक रही है? अगर हम आपकी बात बड़ी करते हैं, हम इंडियन गवर्नमेंट को सबसे सुपीरियर रखते हैं कि चलो उन्होंने बसेस अरेंज नहीं करवाई, चलो वो झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, हम एयर जेट्स की बात सच निकालते हैं, तो मैम उन्हें पे, अब वहां पे टिकट्स के लिए पे करवाना इतना जरूरी है कि बच्चों को पहले वहां पे खड़े होकर पे करना पड़ेगा, उसके बाद उन्हें आगे निकलना पड़ेगा? वहां के लोकल इस चीज प्रशासन का द्वारा सबसे आपको बड़ा क्या कुछ आंसर सलाह दी चाहिए जा मैम। अगर रही है वो बात दो जो एयर जेट्स यशाली? भेज भी रहे हैं तो भी मैम क्या हमें पे करके जाना पड़ेगा इस सिचुएशन में भी? आपको वहां पे क्या कुछ सलाह दी जा रही है? ये जो युद्ध की स्थिति है इसमें आपको क्या कुछ कहा गया? क्योंकि अभी हमारे पास कुछ समय पहले ही खबर सामने आई है कि वहां पे कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो भी व्यक्ति बाहर निकलेगा उसे गोली से उड़ा दिया जाएगा, तो ऐसे में क्या कुछ सलाह दी जा ये रही है? बात आपको बिल्कुल यस सच मैम, सुनने को मिल ये रही है मैम मैम, बात ये बिल्कुल सच है। हमें पूरी तरह से रोक दिया गया है बाहर निकलने से, एम्बेसी से भी आ चुका है ये एडवाइजरी कि बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है। तो अभी कोई भी वहां से भी धमकी आ रही है कि कहीं भी कोई जाएगा बाहर तो उसको फायर कर दिया जाएगा या कुछ भी हो सकता है, इसलिए सभी डरे हुए हैं और कोई एक बंदा बाहर तक नहीं निकल रहा है। और मैम इसी वजह से सारा खाना खत्म होता जा रहा है, हमें ये नहीं पता कि हम कल खाना खाएंगे क्या। जो ये और ऑडियो अभी है आज इसको हमें लेके पता आपने चला क्या है कुछ कि जो एक्शन उठाया है जिस एयर तरह इंडिया से? फ्लाइट जी अरेंज की गई है उसके लिए भी चार्ज कर रहे हैं वो कुछ, अभी वो भी फिक्स अमाउंट नहीं है। अभी हम अपने पेरेंट्स को, इतने परेशान है हमारे पेरेंट्स, अब हम उनमें बोले कि हम आप पैसे अरेंज करिए हमारे टिकट के लिए, और जिसमें मैम हमारी ऑलरेडी टिकट्स बुक हो चुकी थी। मेरी जी मैम खुद 26 फरवरी की टिकट थी, मेरे खुद वहां पे 60,000 रुपी लग चुके हैं। अब हम क्या पेरेंट्स को दोबारा कहें? एक सबसे बड़ी चीज मैम जो मैं इंडियन गवर्नमेंट की सबसे बड़ी गलती निकालना चाहूंगी, जब मैम इंडियन गवर्नमेंट को हर चीज पता थी, चलो हम ये मानते हैं कि उन्होंने एक हफ्ता पहले, सिर्फ एक हफ्ता पहले उन्होंने एडवाइजरी चालू की, तो मैम उन्होंने 6 मार्च तक चार्टर प्लेन्स क्यों चलाए? अगर इनको इतना जल्दी इवैक्यूएशन करना था, इन्होंने अपनी एडवाइजरी के अकॉर्डिंग, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग बोल दिया है कि जल्दी जल्दी निकल जाओ, उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया है, तो चार्टर प्लेन 6 मार्च तक क्यों चलाए गए? या तो फिर मैम चार्टर प्लेन सिर्फ 2 दिन के चलाते और हर 1 घंटे बाद चार्टर प्लेन चलाते कि बच्चों के अंदर हड़बड़ी मचे, जब इन्होंने खुद बच्चों को सांत्वना दे दी है कि हम चार्टर प्लेन 6 मार्च तक चला रहे हैं, इनकी खुद कुछ एडवाइजरीज में भी लिखा गया है कि 6 मार्च तक चार्टर प्लेन चल रहे हैं, तो मैम बच्चों के साथ तो इस सरासर धोखाधड़ी की गई है ना। क्या आप एटलीस्ट लोगों ने इतना पहले तो मैम निकलने की इनका कोशिश एम्बेसी का करी जो थी? है, एम्बेसी या गवर्नमेंट का, इतना तो सोशल मीडिया या उनकी पावर तो होगी कि उनको इतना तो न्यूज होगी कि कब से कब तक अटैक हो सकता है। क्या आप और लोगों ने मैम पहले एक और निकलने की बात, यहाँ कोशिश पे करी सब थी इस पूछ रहे हैं कि परिस्थितियों आपको से? जब पहले वॉर्न कर दिया गया था तो आप पहले इंडिया क्यों नहीं आए? मैम यहाँ पे इतने बच्चे हैं और सबका इतना, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, किसी की जल्दी फ्लाइट नहीं मिल रही थी, किसी के डॉक्यूमेंट नहीं मिले थे, किसी का मिड सेमेस्टर, किसी का क्रॉक, मतलब बहुत एक इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है हमारे यहाँ, जी सब बच्चों के अलग अलग रीजन है जिसकी वजह से वो इंस्टेंटली आ नहीं पाए। वो चीज इंडियन गवर्नमेंट को समझनी चाहिए। वो बोला जा रहा है कि बच्चे आए क्यों नहीं, पहले से वॉर्न कर दिए गए और थे। मैम एक हम इसके अंदर अगर मेडिकल काउंसिल को भी काउंट करें, मेडिकल काउंसिल ने तुरंत ही वॉर की सिचुएशन के टाइम ही ये क्यों एडवाइजरी जारी की है कि अगर कोई बच्चा 31 मार्च तक अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है तो वो उनको एमसीए में रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी। हम बच्चे कहाँ जाए? हमने 4 साल यहाँ पे स्टडी की है, अगर हम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो हमारे 4 साल वेस्ट है। इंडिया जाते हैं तो यूनिवर्सिटी कह रही है कि हम आपके एनबी लगा देंगे, एक्सपेल कर देंगे, तो आप हमारा ईयर वेस्ट है। फीस सबमिट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो हमारा, तो मैम बच्चे जाए तो जाए कहाँ? इंडियन गवर्नमेंट या कोई तो साथ दे इस इतनी बड़ी सिचुएशन में। और क्या कुछ आपने तरीका अभी तक अपनाया है भारत सरकार से बात करने का और उनको अपनी परिस्थिति के बारे में बताने का? मैम हमने ट्वीट किया है, जितने भी सोशल मीडिया है, या तो हम खुद कर रहे हैं या तो हमारे जितने रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स जी हैं, सबसे हम ट्वीट करा रहे हैं, और इतना कोई एक्टिव रिस्पांस नहीं मिला है हमें अभी तक। जी आपके परिवार वाले मैम भी इट जस्ट लगातार बिकॉज सरकार से ऑफ यू गुहार लगा मीडिया रहे हैं, तो क्या कि उनको आप भी सभी आश्वासन मीडिया दिया जा रहा है? मेंबर्स मैम हमें ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि हम आके लाइव इंटरव्यू दे सकते हैं, हम अपनी फीलिंग्स आप लोगों से शेयर कर सकते हैं? जी यू आर द ओनली बिगेस्ट रीजन कि इंडियन गवर्नमेंट हमारी सुन रही है।
इवन हमने जो ऑडियो आपके पास पहुंची है, आपने ये शेयर किया, ये ऑडियो हमने कई न्यूज चैनल्स को, कई उनको मेल तक किया है, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है जी मैम। ये न्यूज, ये ऑडियो हमने जो बात की है, हम लोगों ने तो खुद बात की है, आप ये सोचिए हमारे पैरों जमीनों से जमीन कैसे सरकी होगी। जब उन्होंने साफ ये बोल दिया कि जब तक इंडियन गवर्नमेंट से हमारे पास कोई न्यूज नहीं आएगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, अगर आती तो हम अभी तक बहुत कुछ कर चुके होते, तो यहाँ जी पे कसूर किसका निकाला जाए मैम। आप मैम लोग अभी को तक हम धैर्य घर वालों रखने को की समझा रहे जरूरत है थे कि प्राची कोई बात शाल ने, नहीं कर रही है क्योंकि गवर्नमेंट, बट इंडियन कुछ कर ही गवर्नमेंट नहीं ने रही ये है, तो अब स्टेप क्या ले रही बोला है है, हम लगातार उनको। अपनी तरफ से प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त युद्ध की परिस्थिति है, वहां पे एयरबेस बंद हो चुके हैं, तो आप लोग को थोड़ी धैर्य रखने की जरूरत है। और जिस तरह से वहां पे जो भी बयान सामने आ रहे हैं, वहां पे जो भी एडवाइजरी जारी करी जा रही है, उसको देखते हुए आपको धैर्य रखने की जरूरत है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज, आपकी अपील सरकार तक पहुंचे और सरकार इससे संज्ञान ले, जल्द से जल्द कोई एक्शन ले, क्योंकि सरकार एक्शन ले रही है, सरकार बात भी कर रही है। लोगों को थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार के कॉन्टेक्ट में रहिए, और अपने परिवार को अगर कोई आप संदेश देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं। मैम लास्ट में मैं गवर्नमेंट से एक एक अपील करना चाहूंगी कि अब और लेट ना करें, क्योंकि ऑलरेडी इतना लेट हो चुका है, एक एक मिनट बहुत इम्पोर्टेंट है बिल्कुल मैम। यहाँ पे रात को ना डर डर के सोना पड़ रहा है, एक बच्चा जाग रहा है, एक बच्चा सो रहा है, खाना हमें रोक रोक के खाना पड़ रहा है कि कहीं वो खत्म ना हो जाए, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं प्लीज उस है। चीज को इंडियन मैम अपने गवर्नमेंट कंसर्न आपकी में लीजिए। आवाज भी प्लीज सुन हम रही है और गवर्नमेंट से आपकी रिक्वेस्ट कर परेशानी रहे को भी हैं समझ कि अगर रही है। गवर्नमेंट अपनी आई पे आए तो इंडियन एयर फोर्स और इंडियन आर्मी बहुत कुछ कर सकती है, उन्होंने आज तक इतना कुछ किया है, हम अभी तक उन्हीं के भरोसे बैठे हैं। प्लीज मैम, प्लीज इंडियन आर्मी, इंडियन एयर फोर्स, इंडियन गवर्नमेंट प्लीज हम लोगों को कंसर्न में लें। हम वैसे भी सबसे ज्यादा फॉरेस्ट सिटी में बैठे हैं, हमारे आसपास कोई भी बॉर्डर नहीं है, नियरेस्ट बॉर्डर हमसे 1200 किलोमीटर दूरी पे है, हम लोग ये चीजें सोच सोच के ही परेशान हो चुके हैं, उसकी और भी कोई हमें अरेंजमेंट नहीं है, वहां उसकी तक भी हमें पहुंचने की और कोई अरेंजमेंट नहीं है, और ये भी नहीं पता मैम कब नेटवर्क चला जाए, कब लाइट चली जाए, हम लोग एक एक पल रोक रोक के जी रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम सच में मरने वाले हैं, आईसीयू में पड़े हैं, आप और लोग को हमसे ये परेशान बोला होने की जा रहा है जरूरत कि नहीं अगर है, आप जल्द अपनी से सिटी जल्द से इस बॉर्डर तक समस्या जाना का चाहते समाधान हैं तो निकलेगा। आप अपने रिस्क पे जी जाइए। जी बिल्कुल शालनी और प्राची, दोनों धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट स्टेप ले रही है और हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज, आपकी परेशानी, जिस तरह से आपका परिवार परेशान हो रहा है, आप लोग वहां पे परेशान हो रहे हैं, तो ये आवाज सरकार तक जरूर पहुंचे। और सरकार भी कदम उठा रही है, सरकार शांत नहीं बैठी है, लगातार बैठकें हो रही है और जल्द से जल्द निष्कर्ष निकाला जाएगा। और जिस तरह से ये युद्ध की स्थिति बनी हुई है और इसको देखते हुए सभी परेशान हैं, और जो ये स्थिति बनी हुई है, सभी अपने स्तर पे पूरी कोशिश कर रहे हैं, और हम भी अपील करना चाहेंगे प्राची, शालिनी और आप जितने जितने भी तमाम वहां पे भारतीय छात्र फंसे हुए, जितने भी वहां के नागरिक है, सबसे अपील करेंगे घर में रहें, सुरक्षित रहें, धैर्य बनाए रखें, क्योंकि ये जो कठिन समय है जल्द ही खत्म होगा और जल्द से जल्द कोई ना कोई फैसला जरूर आएगा। धैर्य बनाए रखिए। जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। मैम, थैंक यू सो मच, और प्लीज कोशिश करिएगा हमारी ये बातें सारी गवर्नमेंट तक पहुंचाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी आवाज पहुंचाने की। और ऐसे तमाम भारतीय छात्र हैं, हम आपको बताना चाहेंगे, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो शालिनी हमारे साथ जुड़ी है वो लखनऊ से है और जो प्राची है वो हरियाणा से है। तो ऐसे कई छात्र हैं जो अभी भी फंसे हुए यूक्रेन में और लगातार गुहार लगा रहे हैं, भारतीय सरकार से गुहार कर रहे हैं कि उन्हें वहां से निकाला जाए। और जिस तरह से हमने आपको ऑडियो सुना, ये एक बड़ी ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से बयान दिया गया है। हालांकि धैर्य बांधना चाहिए और इस कठिन परिस्थिति में समझना चाहिए, हालांकि झूठ नहीं बोला है इंडियन एम्बेसी की तरफ से भी, लेकिन जो ये कठिन समय है, ऐसे में जागरूक होना चाहिए सभी को और जो कठिन परिस्थिति है सबको धैर्य बनाए रखना चाहिए। कठिन समय है और ऐसे समय में सबको शांत रहने की जरूरत है, और जिस तरह की कठिन परिस्थिति, हम सरकार से भी अपील करना चाहेंगे कि सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। और कई ऐसे छात्र हैं जो वहां पे फंसे हुए हैं, 500 से ज्यादा अभी भी छात्र हैं, हालांकि कुछ छात्रों को निकालने की कोशिश करी जा रही है भारत सरकार की तरफ से। कई छात्र हैं जो अपनी अपील कर रहे हैं, जो वीडियोस बना के, वीडियो वायरल करके जनता और भारतीय जो उनके परिवारजन है वहां तक पहुंचाने की, इंडियन गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया में भी पूरी कोशिश करी जा रही है, वो चाहे रूस को समझाने की हो, क्योंकि जितनी भी
जितनी भी चीजें हैं उसमें कहीं भी नहीं यूक्रेन के नागरिकों की गलती है या फिर वहां पे फंसे भारतीय नागरिकों की गलती है या अन्य देश के जो भी नागरिक वहां मौजूद है, गलती किसी की नहीं है। ये दो देशों के वर्चस्व की लड़ाई है जिसमें आम जनता कहीं ना कहीं पिस रही है, कई लोगों की मौत हो रही है, कई जवान शहीद हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए जो जवान होता अपने देश के लिए लड़ता है, दोनों ही देश वो चाहे रूस के हो यूक्रेन के हो, दोनों ही देशों के जवान अपनी जान की बाजी लगा रहे अपनी देश के लिए, अपने देश की जो वर्चस्व की लड़ाई है उसमें, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं उनको इस तरफ एक्शन लेने की जरूरत, समझने की जरूरत है कि इस युद्ध में आम जो बेगुनाह नागरिक है वो कहीं ना कहीं फंस रहे हैं, तो इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिए। और भारत सरकार से भी हम अपील करना चाहेंगे कि जो हो सके मदद अपनी तरफ से करने की पूरी कोशिश करें। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।